बहुत बढ़िया है, आप कैसे हैं? आज लगभग पहली फिल्म का मुहूर्त हो रही है, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू, आपको भी। इस फिल्म का बताया हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि मुझे मेरी एक फिल्म लॉकडाउन के बाद स्टार्ट हुई है। और इस फिल्म के बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं झेल चुका हूँ पिछले 1.5 सालों से। बहुत लोगों के चेहरे पे मुस्कान चली गई और मुझे लगता है कि ये मुस्कान वापस आनी चाहिए और फिर से वो दिन वापस आना चाहिए जिसके लिए हम संघर्षरत रहते हैं। तो ये फिल्म कंप्लीट एंटरटेनमेंट फिल्म है, है ना, तेरी आंखों में वो जादू है। और प्रोड्यूसर ने बताया कि टाइटल प्रोड्यूसर ने दिया नहीं, दिया डायरेक्टर ने दिया है। हाँ, तो कुछ क्या आपके पास दिमाग में आया कि उस कोई फीमेल कोई दिमाग में आई थी जी, इस तरह कुछ आपने जी सोचा? हाँ, फीमेल में जैसे जब मैं फिल्म करता हूँ तो हीरोइन आते हैं, रानी जी को देखा मैंने, पाखी जी को देखा, गुंजन जी को देखा, जोया भी हैं, है ना, सब लोगों को देखा। मैं बोला यार इनकी आँखों में क्या ऐसी बातें हैं, ऊपर वाले ने क्या दिया है जिसके वजह से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं आँखों से, है ना, और क्या बोलूँ मैं, होठों से, है ना, क्या अट्रैक्शन है। तो इसके लिए मुझे लगा कि ये टाइटल जो है आज के डेट में पब्लिकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कंप्लीट फैमिली ड्रामा, इमोशन, कॉमेडी, इंटरटेनमेंट, हाँ, ये सोचकर मैंने इस सब्जेक्ट को अपने राइटर को कॉन्सेप्ट दिया कि इस पे फिल्म करेंगे हम। किस किस कलाकार को अपना फाइनल किया है? हाँ, विनय साहब फाइनल है, विनय आनंद, सुदीप पांडे फाइनल हैं, अपने प्रिंस सिंह राजपूत जो भोजपुरिया बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं वो फाइनल हैं, पाखी जी हैं, रानी जी हैं, गुंजन जी हैं, है ना, बहुत सारे आर्टिस्ट फाइनल हैं। लेकिन अभी भी कुछ आर्टिस्ट हैं जिनको मुझे फाइनल करना है, तो वो मैं नहीं चाहूँगा कि अभी डिस्क्लोज करूँ, 2-4-5 दिन का मुझे भी टाइम मिलना चाहिए। मैं एक फिल्म कर रहा था जितेश दुबे साहब के साथ, मैं उनको सबसे पहले तो तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके साथ मैं एक पिक्चर कर रहा था, मुन्नी बाई नौटंकी वाली, और इत्तफाक से उसमें हीरोइन थी रानी चटर्जी। तो जब उनका ससुरा बड़ा पैसा वाला देखा तो मुझे लगा कि इनको मैं कब डायरेक्ट करूँगा, कभी चांस तो मिले। मिल गया वो चांस। हाँ बिल्कुल, जोया ने ठीक कहा, वो चांस मुझे अभी मिला। ऐसा नहीं, उनको आइटम गर्ल के लिए एक फिल्म में मैंने कराया है, लेकिन एज ए फिल्म की हीरोइन मुझे इस फिल्म में चांस मिला। पाखी हॉट लग रही नहीं रही है सर, वो जब से फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की है तब से हॉट है वो, और मुझे लगता है जब तक रहेंगी तब तक हॉट रहेंगी वो। चाहे हाँ, गुंजन तो ऑलरेडी सर वो हॉट हैं, उनके लिए क्या कहना है, बहुत हॉट है वो। और कोई सवाल सर? बस यही कि देखने वाले सारे अपने दर्शकों को दिल से प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो सबसे पहले मैं अजय सर को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आपको इस फिल्म की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप अच्छे से डायरेक्ट करें। आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम इस फिल्म में जुड़ूँ या ना जुड़ूँ मुझे नहीं पता, लेकिन ढेर सारी आशीर्वाद देना चाहूँगी। तेरे आँखों में वो जादू है, और इन्होंने जिस जिस आर्टिस्ट को जैसे जैसे लोगों को कास्ट किया है, सच में उन सब आँखों में जादू है, तभी ये सबको मिला के ये एक आँखों में जादू बना के और आप लोगों के सामने पेश करने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। सो आप लोग भी इनको ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी प्यार, ढेर सारी आशीर्वाद दीजिए कि ये अपनी फिल्म को अच्छे तरीके से कंप्लीट करें और आप लोगों के सामने इसको रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।